प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो एक नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों पर दस्तक देगा, जल्द ही दस्तक देगा, और ये आज 20 तारीख है, तो अगले दो दिनों के बाद यानी कि 22 तारीख तक ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है ये ट्रैक है इसका। इस तरह से जम्मू कश्मीर पर पहुंचेगा और पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जा चुका है, अब ये और पूर्वी दिशा में चाइना के ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हट जाएगा और ये जो हवाएं हैं ये अभी भी उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं, ठंडी और शुष्क हैं। आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पूरे उत्तर और मध्य भारत को प्रभावित कर रही है, दक्षिण भारत तक यानी तेलंगाना तक भी इन सर्द हवाओं का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। राजस्थान जम गया है, यानी कि पूरी ठिठुरन भरी जो सर्दी है, जो कह सकते हैं कि जो मतलब कड़ाके की जो सर्दी असली में पड़ती है दिसंबर और जनवरी के महीने में वो देखने को मिल रही है। और लानीना, जैसे कि कहा जाता है कि लानीना के समय पर सर्दी ज़्यादा सीवियर होती है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी लेकिन उसका असर अब देखने को मिल रहा है। और जैसे आपने देखा कि चिरू, पिलानी, सीकर, ये सारे इलाके जम चुके हैं। भीलवाड़ा में भी 0 डिग्री तक तापमान पहुँचा था, यानी कई इलाकों में जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है यानी शून्य से भी नीचे तापमान पहुंचना अगर मैदानी इलाकों में होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होता है। और जो ओस है वो जम जाती है, पाला पड़ जाता है, फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, पेड़ पौधों पर भी जो पत्तियां हैं उनके ऊपर जो ओस होती है वो सारी जम जाती है। वो सारा नज़ारा राजस्थान में देखने को मिला है। उसी तरह हिसार और नारनौल वगैरह जो इलाके हैं, अमृतसर है, लुधियाना है, जलंधर, पठानकोट, इन सारे इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, नौगांव, उज्जैन, रतलाम, इन सारे इलाकों में जो शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, हाथरस, ये सारे इलाके भी ठंड की मार झेल रहे हैं। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने में अभी समय है, लेकिन अभी अगले दो दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सारे इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। और ये जो उत्तरी हवाएं हैं इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर इलाकों सहित गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर अभी भी जारी रहेगी। हालांकि दो दिनों के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा, जो इस तरह से जैसे हमने पहले भी आपको दिखाया था जो उत्तरी हवाएं हैं वो इस तरह से बदल जाएंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंच जाएगा। ये 22 तारीख का मैप है और उस समय जो हवाएं हैं इस तरह से जब घूमेंगी तो जो सर्दी है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन शीतलहर उसके बाद भी जारी रहेगी। और जो कड़ाके की शीतलहर यानी कि जो सीवियर कोल्ड वेव है उससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी और दिन में भी थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएंगे, कोल्ड डे कंडीशन जो बनी हुई है उससे भी कुछ राहत मिल सकती है। पहाड़ों पर 22 से 25 के बीच में बर्फबारी होगी और जो मैदानी इलाकों हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब के कई इलाकों में होगी, हरियाणा के कई इलाकों में होगी, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, इन सारे इलाकों में, दिल्ली NCR सहित फरीदाबाद वगैरह, हरियाणा वगैरह, इन सारे इलाकों में, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, इन सारे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ सकती हैं 22 से 25 दिसंबर के दौरान। अब चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। तो पूर्वी भारत में भी इस समय जो हवाएं हैं आप देखिए सीधी इस तरह से आ रही हैं और ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रही हैं। इस इलाके में भी तापमान गिर रहे हैं अगले दो दिनों तक यानी 21 तारीख तक इस इलाके में भी धीरे धीरे टेम्परेचर गिरेंगे। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है, खास करके जो मध्य भाग है अंबिकापुर से लेकर के कोरिया, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, इन इलाकों में, हालांकि जगदलपुर वगैरह और उसके आसपास में इलाकों में तापमान गिरे हैं लेकिन शीतलहर नहीं है। और उसी तरह अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो तापमान गिरे हैं, गुजरात में भी अभी तापमान गिरते रहेंगे अगले दो दिनों तक, उसके बाद धीरे धीरे तापमान जो बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी लेकिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। जो बेमौसम बारिश पहले देखने को मिली थी वो कोई देखने को नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, नागपुर, अकोला, अमरोती, वर्धा, वाशिम और जलगांव, नासिक, मालेगांव, इन सारे इलाकों में भी
जो शीत लहर है वो अपना रंग दिखाना शुरू करेगी और तापमान अगले दो दिनों के दौरान गिरेंगे, उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने लग जाएंगे क्योंकि जो उत्तरी हवाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी 17 या 16 डिग्री तक का तापमान देखने को मिल सकता है। तेलंगाना में अभी भी अगले दो दिनों के दौरान हल्का वल्का टेम्परेचर गिरेगा और 10 डिग्री के नीचे कई इलाकों का जो टेम्परेचर है वो देखने को मिलेगा, यानी कि तेलंगाना में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला ये जो इलाके हैं पूरी तरह शुष्क रहेंगे, इसमें अभी कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और जो लो प्रेशर एरिया है ये अब बहुत जल्द ही वेलमार्ग में परिवर्तित हो जाएगा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास बनेगा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में खास करके जो दक्षिणी द्वीप हैं उन इलाकों में भारी बारिश होगी। लक्षद्वीप वगैरह पूरी तरह शुष्क रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और सर्दी काफी ज्यादा होगी, यानी दिन और रात के तापमान सामान्य से नीचे बने रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।